आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज मैं आपको मटर मेथी मलाई की सब्जी बनाना बताती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। सबसे पहले मैंने 1.5 कटोरी मटर लिए, 1 कटोरी मेथी लिए। हमने एक पैन रख दिया है, अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब हम इसमें मटर डाल रहे हैं, जिससे इसका इनका कच्चापन चला जाए और थोड़ी ये बॉयल हो जाए। जब तक हमारी मटर पक रही है थोड़ी, तो जब तक हम दूसरा पैन रखकर उस पर मेथी ड्राई कर लेते हैं थोड़ी। अब इसमें मैं थोड़ा सा आधे चम्मच वो ऑयल डाल रही हूँ। गरम हो जाएगा तो मैं मेथी डाल दूंगी और उसको मैं थोड़ी ड्राई करूंगी। अब हम मेथी डालकर इसके अंदर और इसको ड्राई कर देंगे। ग्रेवी के लिए मैंने 2 प्याज काट कर रखी हुई है और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 टमाटर और 2 हरी मिर्चें। साथ में मैंने ये खड़े मसाले कुछ और काजू लिए हैं। मैंने फ्राई पैन लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें खड़े मसाले डाल देते हैं। ये 7-8 काली मिर्चें हैं, ये डाल रहे हैं। ये लौंग है, ये भी डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने जीरा लिया है, ये जीरा भी डाल दिया है। 1 बड़ी इलायची है, ये भी डाल दिया मैंने। और 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं, ये भी डाल दिए हैं। इनको मैं सुनहरा होने तक भूनूंगी। अब मसाले सुनहरे हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। लगभग 5 मिनट तक हमको प्याज को भूनना है। अब हल्की सी प्याज हो चुकी है, अब हम इसके अंदर अदरक, टमाटर और हरी मिर्च दोनों ऐड कर देंगे। साथ में थोड़े से काजू डाल रहे हैं, जिससे हमारी ग्रेवी क्रीमी हो जाए। हमें जब तक ये भूनने हैं, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड करने जा रहे हैं। टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए हम इसको ढक देते हैं। लगभग हमारे ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इनको ठंडा होने तक ग्राइंड कर देंगे। अब हमने एक पैन लिया है और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और थोड़ा सा जीरा डालते हैं। अब हमारा जीरा हो चुका है, अब उसमें हमने तैयार की हुई ग्रेवी डाल देते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी हम देखी मिर्च डाल देते हैं और थोड़ा सा धनिया, 1-1.5 चम्मच हमने धनिया डाल दिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक हमने पहले डाल दिया था, थोड़ा सा नमक और डालते हैं। थोड़ी सी हम हल्दी भी ऐड करते हैं। अब हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब हम इसके अंदर उबले हुए मटर ऐड करते हैं और साथ में मेथी। मेथी और मटर को एक साथ मिक्स कर लीजिए। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिससे इसमें मसालों का टेस्ट आ जाए। अब हमने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है 1/2 कटोरी। यदि आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी यूज कर सकते हैं। क्रीम ऐड कर दी है, आप देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है। अब हमारी सब्जी तैयार है। अब हमारी मटर मेथी मलाई की सब्जी तैयार है। आप इसे पराठे, नान के साथ भी खा सकते हैं। यदि मेरी सब्जी पसंद आए तो मुझे नीचे कमेंट करना और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद। अगली बार किसी और नई चीज के साथ मिलते हैं।